आप ये सोचकर मेरे पास आए हैं कि मैं आपको एक नया धर्म दूंगा। नहीं, मैं आपको ऐसा आराम नहीं देने वाला ताकि आप चैन से सो सकें। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बेचैन रहें। तो ये मेरी प्रतिबद्धता और कर्तव्य है कि लोगों को वो दिखाऊं जो मैं देखता हूं। सद्गुरु, आपने कई ऐसे महान गुरुओं की कथा बताई है जो अपने शिष्यों को कंफ्यूज कर देते थे। क्या गुरु हमेशा सच बोलते हैं, या अगर शिष्य के लिए जरूरी हो तो वे सच बोलने से बचते हैं? पंजाब से जसमीत। क्या नाम है? जसमीत। ओ, अच्छा। मुझे लगता है मैं इसका जवाब दे चुका हूं। आप सब पक्का करना चाहते हैं? मेरे दादाजी के एक भाई थे जो कुछ साल पहले गुजर गए, 101 की उम्र में। वो एक बहुत मजाकिया और मिलनसार व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक बेटा गोद लिया था जिसकी शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, पर मैं हमेशा अगली क्लास में पहुंच जाता था। मैं पीछे नहीं रहना चाहता था, पर वो स्कूल में पढ़ नहीं रहा था। तो जब हम छुट्टियों में उनके घर गए, तब दादाजी ने मुझसे पूछा, आप किस क्लास में हैं? मैंने कहा, छठी में। वो बोले, झूठ, पिछले साल तुमने पांचवी कहा था, अब छठी कह रहे हो? हमारे बेटे को देखो, वो पांचवी क्लास में ही है। वो सच्चा है। ये ऐसा ही प्रश्न है। हाँ, मैंने कहा, सूरज उग गया, शाम में पूछा जाए तो मैं कहूंगा सूर्यास्त। अरे, ये झूठ है। मैं क्या कर सकता हूं? हेलो। आपने एक सिक्का ऊपर उछाला, मैंने कहा हेड्स है। आपने फिर उछाला, मैंने कहा टेल्स। झूठ मत बोलो। पर मान लीजिए एक कई पहलू वाला पासा हो, मैं बोलूंगा 1, 4, 2, 3, 6, ये झूठ है। मैं आपका क्या कर सकता हूं? आप समतल धरती पर जाएं। दुर्भाग्य से धरती गोल है और घूम रही है, हमेशा एक अलग पहलू दिखता है। इसीलिए जीवन के दो आयाम हैं। एक आयाम है जो कभी नहीं बदलता। जीवन के कुछ आयाम कभी नहीं बदलते। Certain other dimensions of life which are constantly changing. जीवन के कुछ दूसरे आयाम हमेशा बदलते रहते हैं। यही चीज हमारी ऊर्जा में, या हम में, या दुनिया में, या हमारे लिए पुरुष प्रकृति और स्त्री प्रकृति, पिंगला और ईडा, या सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य हमेशा गोल होता है, रोजाना गोल, बिल्कुल गोल। हेलो, क्या आपने चौकोर सूरज देखा है? कैलिफोर्निया में शायद देखा हो, जब आप कुछ लेते हैं। एक दिन सूरज चौकोर था, पर चांद को देखिए, रोजाना अलग आकार होता है। हेलो, एक दो दिन गायब भी हो जाता है, हर दिन अलग आकार। तो इसीलिए पुरुष महिलाओं को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि रोजाना अलग आकार। पुरुष सूरज की तरह है, उन्हें रोजाना सब वैसा ही चाहिए। जैसे किसी ने कहा था, शायद किसी अमेरिकी लेखक ने कहा था, वो बोले, पुरुषों और महिलाओं में फर्क ये है, शादी में महिलाएं हमेशा पुरुषों से बदलने की उम्मीद करती हैं,
और वो निराश होती हैं कि बदलाव नहीं हुआ, वो वही चीजें कर रहा है। पुरुष उम्मीद करते हैं कि महिलाएं वैसे ही रहें, उन्हें 60 की उम्र में भी 18 जैसा ही होना चाहिए। देखिए, एक है चंद्रमा, दूसरा सूरज। चंद्रमा हर रोज बिल्कुल अलग होता है, अनोखा। तो अगर मैं कहूं चंद्रमा गोल है तो क्या यह झूठ है? या अगर मैं कहूं चंद्रमा आज पतला है तो क्या यह झूठ है? नहीं, ऐसा ही है। पर आपको सब पक्का करना है। आप ये सोचकर मेरे पास आए हैं कि मैं आपको एक नया धर्म दूंगा। नहीं, मैं आपको ऐसा आराम नहीं देने वाला ताकि आप चैन से सो सकें। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बेचैन रहें। हेलो, मैं चाहता हूं कि आप बेचैन रहें, क्योंकि अगर अज्ञानता आपकी नींद नहीं उड़ाती तो यह एक तबाही है। आप अज्ञानी होकर भी अच्छे से सोएं तो यह ट्रेजेडी है। लोग सोचते हैं अज्ञान आनंद है। नहीं, अज्ञानता ट्रेजेडी है। आपको क्या लगता है? हेलो, अज्ञान सबसे बुरी ट्रेजेडी है जिसे मनुष्य हमेशा से झेलते आए हैं और झेल रहे हैं। हाँ या ना? पर कहते हैं अज्ञान आनंद है, उनके लिए शुभकामनाएं। ऐसा हुआ, अमेरिकन एयरलाइंस में एक आदमी फर्स्ट क्लास में बैठा था और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ, एक तोता उसके पास की सीट पर सीट बेल्ट पहने हुए ऐसे बैठा था। और फिर जहाज के उड़ने से पहले तोता बोला, मुझे स्कॉच विस्की चाहिए। होस्टेस बोली, नहीं, उड़ान भरने से पहले हम कुछ नहीं दे सकते। फिर तोते ने उसे गाली दी, हर तरह की गालियां उसने दी। आप लॉस एंजलिस के हैं, आपको बताना जरूरी नहीं है। उसने हर तरह की गालियां दी और होस्टेस चकरा गई, उसे समझ नहीं आया। उसने गालियां सुनाई, फिर उड़ान भरने के बाद तोता फिर बोला, मुझे स्कॉच चाहिए। तो दूर टिंग टिंग की आवाज आ रही थी बोतलों और ग्लास की, और तोता चिल्लाया, मूर्ख लोग क्या कर रहे हो इतनी देरी। उस व्यक्ति ने कोक मंगाई और उसने रुककर तोते की शक्ति के बारे में सोचा कि यह चिल्लाता है, लोगों को डराता है, सब पर रौब झाड़ता है। वो तोते से बहुत प्रभावित हो गया। फिर तोते ने फिर से विस्की मंगाई और चिल्लाया, क्योंकि देर हो रही थी, और उसने एक कोक मंगाई। अब उसने सोचा, मैं यहां एक कायर की तरह बैठा हूं, तो वो भी चिल्लाया। ये चीज चलती रही, तोता चीजें मंगाकर चिल्लाता रहा और वो व्यक्ति भी खाना मंगाकर चिल्लाता रहा। फिर जहाज पर एक मीटिंग बुलाई गई, उन्होंने पायलट से सलाह की। वो आए, दरवाजा खोला और दोनों को उठाकर उस जहाज से बाहर फेंक दिया। दोनों नीचे गिर रहे थे। तब तोता बोला, बहुत हिम्मत की बात है, आपके तो पंख भी नहीं है। ये ऐसा ही है, अज्ञान आनंद नहीं है, क्योंकि जीवन एक प्रक्रिया है, सबसे गतिशील प्रक्रिया, पर आप जम जाना चाहते हैं। हेलो, आप जम जाना चाहते हैं सब कुछ पक्का हो, क्योंकि आप अनिश्चितता से परेशान हैं, है ना? हेलो, जीवन सुरक्षित होना यानी एक ही स्थिति में जम जाना, सब कुछ एक सा। नहीं, जीवन बदलता है, क्या करें, यह बदलता ही रहता है, जीवन गतिशील है। तो
ये मेरी प्रतिबद्धता और कर्तव्य है, ये मेरा मिशन है कि मैं लोगों को वो दिखाऊं जो मैं देख सकता हूं। आज चांद बहुत पतला है, क्या मैं ये कहूं चांद गोल है? हां, ये कहीं गोल भी है, मुझे पता है दूसरी तरफ से देखने पर चांद गोल दिखेगा, पर हमारे अनुभव में ये आज पतला है। हेलो, नहीं, चांद गोल है, यह ऐसा नहीं है। एक स्तर पर यह गोल है, यह सच है, यह गोल है, हमेशा गोल, पर हमारे अनुभव में यह बदलता रहता है। तो जीवन के कई पहलू हैं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ काला सफेद या सही गलत हो, तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ जाना चाहिए। क्या उपयोगी है और क्या नहीं, यह सब तय है। हर चीज उपयोगी है। हेलो हेलो, कैसा नहीं है? आपको लग सकता है कि कोई चीज उपयोगी नहीं है, पर उसका अपना उपयोग है, आया ना? क्या एक छोटी छड़ी उपयोगी है? आपके लिए नहीं होगी, पर किसी दूसरे के लिए है। एक टिड्डा, क्या वो बेकार है? हेलो, नहीं, वो उपयोगी है, उसका अपना एक पूरा जीवन है। तो आप सब कुछ पूरी तरह से तय कर रहे हैं, अपनी विचारधारा या अपनी भावनाओं या अपनी फिलॉसफी या अपने धर्म के हिसाब से। आपके लिए सब तय है, या तो ऐसा या तो वैसा, अच्छा बुरा। मैं ये देखता रहता हूं, यहां तक कि समाचार चैनलों में, समाचार चैनल, अमेरिका के राष्ट्रीय समाचार चैनल, एंकर वाकई बोलते हैं अच्छे लोग और बुरे लोग। मुझे यकीन नहीं होता था। आप सबसे बुरे व्यक्ति से मिलिए जिसे आप सबसे बुरा समझते हैं, वो भी सोचता है कि वो अच्छा है। हेलो, आया ना? हमारे लिए कौन बुरा है और कौन अच्छा, ये इससे तय होता है कि हम कहां हैं और हमारे सामने क्या है। आया ना? आप सभी कम से कम ये छोड़ दें, आपको कभी खराब मौसम नहीं कहना चाहिए। बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, गर्मी है, पर मौसम बुरा नहीं है। हेलो, आप मौसम को बुरा कहने वाले कौन हैं? हेलो, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिर आप दुनिया को टुकड़ों में बांटते चले जाएंगे। एक ही बात पर अड़ना, यानी दुनिया को बांट देना, अंत में एक दूसरे से लड़ मरना। वजह यह है कि हमारा मन अड़ जाता है। मन तरल होना चाहिए, तभी वो बुद्धिमान होता है। अगर ये एक बात पर अड़ जाए तो ये सख्त हो जाएगा। एक सख्त पत्थर से आप लोगों को मार सकते हैं। हेलो, ये सिर का एक उपयोग है ना? उससे लोगों को मारना, या आप दिमाग का उपयोग करके अपने और धरती के दूसरे जीवों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये नागरिक शास्त्र या पर्यावरण विज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आपको अपने सिर का उपयोग करके डू समथिंग वंडरफुल टू योरसेल्फ एंड टू एवरीबॉडी, अपने और सभी के लिए कुछ अनूठा करना चाहिए, या आप उससे दूसरों की नाक फोड़ सकते हैं। आप सिर का दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना?